लो जी, वेलकम बैक जी आया नू सारे नू। किद्दां सारे? आपां फटाफट शुरू कर दिए। वीरिया ने फिर आखना कि इन्नी देर मजा आने लगता है, तुसीं बंद कर देंदे चिल्ली। एशिया कप में जब जब पाकिस्तान टीम हार गई तो वहां पे किसी ने टीवी तोड़ दिया और बैठ के रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मैं क्या और बोल रहा है, सारी टीम चले जाओ यहाँ से, पाकिस्तान छोड़ दो। ले 2200 रुपए का टीवी तोड़ के तू इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है। खैर, वसीम भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। वसीम भाई, आप प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। अच्छा पाजी, अभी ना हाल ही में T20 वर्ल्ड कप मैंने देखा, अभी इंजमामुल हक, इंजमाम भाई अफगानिस्तानी टीम को कोचिंग दे रहे हैं जी। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी वही सिखाते हैं। इनसे ये मजाक कर रहा हूँ, प्लीज नाराज ना होइए। आप बड़े ग्रेट प्लेयर हो, इनसे ने देख लिया ना, ये इनसे स्ट्रॉन्ग भी बड़ा है। पर एक बार ना वो इनसे ने जो जब वो शोर शराबा हुआ था, वो क्राउड में घुस के उसने क्राउड वालों को मारा था। मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं इंजर था। हाँ। तो टोरंटो का स्टेडियम नहीं था, वो छोटी सी ग्राउंड थी कि ये आपकी बाउंड्री है, यहीं लोग बैठे हुए हैं जी। वो एक कोई इंडियन हजरात थे, उसने वो स्पीकर पकड़ के आलू आलू और इंजी ये खड़ा है। या तो ना बंदा छुप के कह दे या इधर उधर करके कह दे। अब इंजी ये खड़ा है, इंजी बड़ा स्ट्रांग बंदा है, 6 फुट 3 इंच का, भी तू देख ले भला। अब इंजी ने 12th man को बुलाया, 12th man गया मोहम्मद हुसैन, हमारा एक क्रिकेटर था। हाँ। बेचारा लाहौर का। हाँ। बेचारा तो नहीं, मतलब लाहौर का। इंजी कहता मुझे बैट चाहिए। अब 12th man ने नहीं सोचा, यार 3rd man पे फील्डिंग कर रहे हैं, बैट क्यों चाहिए। 12th man गया है, बल्ला लेके आया है, इंजी को बल्ला दिया है, ओवर खत्म हुआ, इंजी ने छलांग लगा बल्ले से बंदे को मारना शुरू कर दिया, इंजी पे केस हो गया वहाँ। उसके बाद 99 पे दिल्ली में इंजी अगेन वॉज बैटिंग वेल, मैं गया नंबर 8 पे। अब इंजी को पूरा स्टेडियम शुरू हो गया, वो बेचारा वो आलू आलू कहना, जो कि मैं कप्तान था, मैं इंजी के पास गया, मैं कहा इंजी तूने गुस्सा नहीं करना, आउट नहीं होना रैश शॉट मार के। कह रहे हैं आप किसी में क्या बात कर रहे हैं, 40,000 बंदा आपको आलू कह रहा हो, गुस्सा क्यों नहीं करना। बड़े बड़े किस्से होते हैं एक्चुअली, है ना, जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो कहीं पे तो मैच हो रहा, श्रीकांत सर ने सुनाया था किस्सा। हाँ। तो बोलते लड़की आ गई, पूरे कपड़े वपड़े निकाल के, उसके बाद आउट ही हो गए थे ना वो मेरे ख्याल से। वो एक दफा इंग्लैंड में हम खेल रहे, जब मैं बैचलर था 92, तो लॉर्ड्स में एक लड़की आ गई, मैं तो दूर से तो बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ। वो भागी, उन्होंने शर्ट कोई बगैर कपड़ों के पास आने लगी, पुलिस पकड़ लिया उन्होंने। मैं कहा पास तो आने दो इसको भाई पहले। वसीम भाई, जब मैं अभी ना मैच देखने गया ना, मैंने तो वो टीम मीटिंग होती ना मैच पहले, ये ऐसे करके क्या सलाह करते हैं सारे हडल 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 आते हैं, एक रूटीन बनी हुई है, आते हैं बस कम ऑन यू नो। अच्छा, मतलब जान लगानी है, बी ऑन द बॉल, 120 गेंदे हैं, हर गेंद पे जान लगानी है, विकेट नहीं गिरी तो शोल्डर नहीं गिराने, एंड दैट्स इट। कोई उसमें खास इतनी बात नहीं होती, मुझे लगता है ऐसे करके करते हैं मोटिवेट। देख देख पीछे पीछे इसके भविष्य वाली देखी जरे। वैसे तेरी भाभी बैठी हुई है कपिल, ये बात हमारे दौर में होती थी, आप आजकल के बच्चों को कुछ कर ही नहीं सकते ये बेचारे। एक तौर पे वकार बड़ा नॉटी था जब नया नया आया, तो उसके साथ हमारे एक फिजियो थे डॉक्टर असलम मरहूम, बड़े ही वाज 75 देन। हाँ, अच्छा। 89 तो वकार को उसका इमरान भाई ने कहा तुम इसके रूममेट बनोगे, तुम बड़े बदमाश हो, अब डॉक्टर साहब इस पे नजर रखना। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है जी। वकार ने डॉक्टर साहब की घड़ी 4 घंटे पीछे कर दी। 2 महीने डॉक्टर साहब को पता ही लगा। 2 महीने 2 महीने वकार 2 बजे आए, डॉक्टर साहब के जल्दी आ गए। हम कर्फ्यू वर्फ्यू तोड़ के 11 बजे कर्फ्यू को सबको सुला के 12 बजे निकलते थे, पार्टी वार्टी करके आते थे। आजकल के बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते, ये ट्विटर पे गया तुम गए। एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा कि ऐसे कहते हैं कि उनको ये पूछना कि पाकिस्तानी टीम में सबसे ज्यादा हैंडल करना किसको मुश्किल लगता है। अरे सबसे मुश्किल जो था, मुश्किल से मुराद वो शोएब अख्तर था, झूठा बड़ा था। शेवी अगर तू सुन रहा है यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और कसम तो ऐसे ही खा जाता था, अल्लाह पाक की कसम, इसी में मैं था नहीं रहा। जब कैलकटा में शोएब अख्तर जब उसने 2 बोल्ड किए ना, वो राहुल को और सचिन को, ताज बंगाल में ठहरे थे, नीचे नाइट क्लब था। मैं कहता हूँ नाइट क्लब नहीं जाना करे वसीम भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, मैं पागल हूँ। मैं 12 बजे गया था, कमीज उतार के स्टेज पे डांस कर रहा है।
मैंने वाई से जाके इसका कान पकड़ा है और सीधा से कमरे में ले गया। नानी, अरे वसीम अकरम आए हैं यहाँ पे। अरे तुझे दिखता नहीं है, सचिन आया है। सचिन सचिन अरे बोल बोल के बहुत थक गया होगा, ले मुंह मीठा कर ले। अरे रे रे रे, मेरा पेट भर गया है। वो क्या है क्या एक्चुअली बच्चों के लिए दे दो। अच्छा। लेकिन कहाँ से लेगा, मेरा मुंह में डाल दो बच्चों के लिए। तू अपना मुंह आगे ला, एक मिनट ये रख ले तू। भाई मेरी ना नानी को थोड़ा कम दिखता है, ऑपरेशन खराब हो गया ना, ये हमारा पड़ोसी है मोहन, ये झूठ बोल बोल के ना बेचारी को लूटता रहता है। ओ कोई सचिन नहीं है बाजी ये। सचिन सचिन क्यों बे नानी, इतना शोर क्यों मचा रखा है भाई तूने? अरे बुढ़ाओ शोर क्यों नहीं मचाऊंगी, तुझे पता है सचिन आया हमारे घर। अच्छा सचिन आया, तेरे घर पे धूप नहीं आती, सचिन आया। अरे अकरम साहब क्या हाल है जी? बस ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? बस जी ठीक ठाक है, कोई भी इलाज करवाना हो, टीका लगवाना हो, दवाई लगवानी हो, साइकिल पेंचर लगवाना हो, मेरे से संपर्क करें आप। बस मेरी आंखों का ऑपरेशन ना करना भाई, जो मर्जी कर रहे। नानी यहाँ देख। किधर? इधर देख, वसीम अकरम आए। क्या वसीम आया है? एक मिनट, एक दो तीन। नानी इधर आ चुका, इधर बैठो, इधर देखो। हाँ आपको पता है हमारे घर में दो दो महान क्रिकेटर आए हैं। कौन? मैं, अरे वसीम और सचिन। हाँ हाँ, मैं तो कहती हूँ एक एक एशिया कप हो जाए। अरे वो अभी नहीं है, वो फिर कभी करेंगे, क्योंकि सारा कप झूठा हो गया है। नानी हाँ? तेरा सचिन साउथ इंडियन बोलता? अरे वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा देर पहले मैं इडली खाया था, इडली इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ये मुझे क्रिकेट सिखाएगा मुझे। आ जाओ बाबा पीछे में, आ जाओ पीछे में। किधर? इधर इधर। ये बल्ला है, कुछ तो दे, घुमाऊंगी क्या? हाँ वो क्या है, चलता रेडी? हाँ हाँ। अरे वाह क्या शॉट मारा है, अरे चार रन, अरे गुड शॉट। नानी 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 नानी, जरा बॉल ढूंढ के आओ। बॉल? हाँ मैं मारू, मैं लाऊ? यस गो गेट इट, ये भी अच्छा है, गो गेट इट, पकड़, ऑल द बेस्ट। ये तो पकड़। वो वर्ल्ड कप याद है 2003 वाला? अरे ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकता हूँ, मैंने आपको ऐसा पॉइंट के ऊपर मार के छक्का मारा था। मुझे नहीं भाई, वो शोएब अख्तर को मारा था। लेकिन शोएब तो कह रहा था कि मैंने आपको मारा करके। ओ कोई बात नहीं, मैं बॉलर लोग के बीच में भेदभाव नहीं रखते ऐसा। वो मैच याद है जिसमें 10 विकेट गिर गए थे? हाँ ऑफकोर्स याद है, मुझे 10 विकेट गिर गए थे, उसके बाद मैं ग्राउंड में आया था। 10 विकेट गिरने के बाद कौन ग्राउंड में आता है? अरे स्कूटर का चाबी घूम गया था और ढूंढ रहा आया था। चलो ठीक है, आप सचिन है ना आज? यस यस। आप सचिन है तो आप यहाँ वसीम अकरम भी आज एक मैच हो जाए, चलिए। अरे अरे मेरा भी क्रिकेट से संन्यास लिया है। कोई बात नहीं, संन्यास वाली गेंद डाल देना। अरे छोड़ दे यार, काम काहे को ऐसा करने। चलो आओ। अरे नहीं आयो मैं। आओ खेलो खेलो। अरे डैडी को सर स्टेशन में रिसीव कर रहे हैं। हां तो डैडी हम तो बोल रहे ना, आप असली सचिन है। चलो मैं बॉल, क्रिकेट का बॉल देना यार, क्रिकेट वाला बॉल, क्रिकेट हैवी वाला, हैवी वाला, हैवी वाला बॉल देना, क्रिकेट वाला टैप हार्ड पत्थर जैसा था, पत्थर ऐसे है यार, कर लगा मेरे बारे में। ए मम्मा ये लो भाइयों, अरे यंगे बड़े बड़े सर मार गया, पकड़ा गया। जल्दी आओ, भाग रहे
आप भी कभी गुजारे कुछ दिन हमारे टॉयलेट में। माय साहब डॉक्टर मशहूर गुलाटी। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बस आजकल किसका इलाज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्पेशलिटी क्या है आपकी? बहुत ज्यादा स्पेशलिटी है। अरे क्यों डॉक्टर साहब, इधर बैठिए ना आप। अच्छा बैठिए आप, आराम से बैठिए आप। तो यहाँ से कौन बिठाता है भाई? तो ऐसे किसी के घर में कौन आता है थोड़ा लेके? बैठिए बैठिए, उधर बैठ जाइए। अदर आपने सामने बैठ के बात करी ना, इधर बैठ जाइए। गुलाटी इधर से पास पढ़ते हैं। बैठिए बैठिए, यहाँ पे बहुत आराम से बैठिए अभी। जहाँ मर्जी बैठ जाओ आप यार। ओके अकरम साहब, आप ब्लड प्रेशर लेंगे या सीटी स्कैन क्या करवाएंगे? जो दिल करता है कर दीजिए। नहीं नहीं, वो वसीम भाई फिट है, उनको क्या करना है? मैं क्या करना है? डॉक्टर तुम हो क्या? मैं हूँ। एक मिनट मैं बताता हूँ जी। जी आपका सिटी स्कैन आई थिंक विल बी बेटर। हाँ एक मिनट खड़े होइए अकरम साहब। हाँ आपका सिटी स्कैन करते हैं। सिटी स्कैन आप सिटी में जा रहे हैं ना, स्कैन कर रहे हैं स्कैन गुलाटी ने कहा कोई भी मसला हो मेरे को पेंचर लगाना है फिर भी जो कोई भी इशू है। चलो आपां जी अगला पार्ट इत्थों ही शुरू करने हैं, तो वेखने फिर सिटी स्कैन का की बनता है। वेखिए।